चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आपके पास दो फंक्शन है, एक्स जो एलजेब्रिक है और साइन 3x ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। यहाँ पे आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी, विच वन इज़ द फर्स्ट फंक्शन एंड विच वन इज सेकेंड। तो इसके लिए आपको डिसाइड करने के लिए ये आईलेट है ना, हेल्प करेगा आपको। वैसे हम लोग ईजिली इंटीग्रेबल जो फंक्शन होता है उसे सेकेंड फंक्शन लेते हैं, लेकिन यहाँ तो दोनों ही ईजिली इंटीग्रेबल है, इसीलिए आप आईलेट अप्लाई कर दिए। आईलेट का मतलब इसमें एलजेब्रिक फंक्शन, एक्स एलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है, एलजेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो जाहिर सी बात है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बाद में आ रहा है तो उसे हम सेकेंड फंक्शन लेंगे, एलजेब्रिक पहले आ रहा है तो हम क्या लेंगे, फर्स्ट फंक्शन। तो ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया। ऑपरेट कर दीजिए फॉर्मूला, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटीग्रल ऑफ साइन थ्री एक्स डी एक्स एंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ साइन थ्री एक्स डी एक्स एंड देन डी एक्स। ये क्या हो जाएगा आपका, दैट कम्स आउट टू बी साइन थ्री एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस कॉस थ्री एक्स अपॉन थ्री, क्योंकि एक्स का कोफिशियंट थ्री है। तो ये हो जाएगा आपका कॉस थ्री एक्स ओवर थ्री माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये वन हो जाएगा और ये फिर वही आ जाएगा कॉस थ्री एक्स ओवर थ्री डी एक्स। ये फाइनल इंटीग्रल बचा, उससे पहले ये माइनस बाहर कर लीजिए, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाते हैं और थ्री भी बाहर आ जाएगा, तो वन बाई थ्री बाहर आ गया। अब इस ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सिंगल इंटीग्रल बचा आपके पास कॉस थ्री एक्स का इंटीग्रल, और कॉस थ्री एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, साइन थ्री एक्स अपॉन थ्री। तो वन बाई थ्री दैट कुड बी रिटर्न एज ए साइन थ्री एक्स अपॉन थ्री प्लस इंडेफिनिट कॉन्स्टेंट सी हो गया, और ये तो कॉपी करना ही पड़ेगा, x बाई थ्री कॉस ऑफ थ्री एक्स। यहाँ पर देखिए थ्री थ्री जा क्या हो जाएगा, नाइन हो जाएगा। तो इसको हम लोग सिंगल लिख दें, यहाँ पे आप नेक्स्ट स्टेप में करिएगा, दैट इज़ योर फाइनल आंसर।